सोशल मीडिया प्रोफाइल फेसबुक पर एक कमेंट को लेकर वाराणसी में जमकर विवाद हुआ। एक महिला अपने परिजनों के साथ एक व्यक्ति को पीटती दिख रही है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो उत्तर प्रदेश के वाराणसी का बताया जा रहा है। दरअसल कांग्रेस की नेत्री रोशनी कुशल जायसवाल अपने समर्थकों के साथ RSS कार्यकर्ता राजेश सिंह के घर पहुंची, जिसने उनके फेसबुक पोस्ट पर कमेंट किया था। पहले उन्होंने घर के बाहर फेसबुक लाइव किया और आपत्तिजनक शब्दों में अपनी भड़ास निकाली। इसके बाद राजेश को घर से बाहर खींचकर पीटा गया। इस दौरान बचाव करने आई राजेश की पत्नी को भी चोटें आई हैं। विवाद यही नहीं थमा। रोशनी जायसवाल ने इस पिटाई का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और फिर लालपुर पांडेपुर थाने में शिकायत दर्ज करवाई। राजेश की पत्नी ने भी पुलिस में शिकायत दी, जिसमें उन्होंने अपने पति पर हमले, अभद्रता, मारपीट और लूट का आरोप लगाया। राजेश सिंह का दावा है कि वह RSS से जुड़ा हुआ है। जानकारी के मुताबिक रोशनी का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें वह राजेश सिंह को थप्पड़ मारते और उनसे विवाद करते हुए नजर आ रही हैं। इस दौरान कुछ हाथापाई भी हुई, जिसमें बीच बचाव कर रही राजेश की पत्नी जमीन पर गिर गई और उन्हें चोटें आई हैं। कांग्रेस नेता रोशनी कुशल जायसवाल पिछले कुछ सालों से सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं और आए दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी करती रहती हैं। हाल ही में उन्होंने एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अप्रत्यक्ष रूप से टिप्पणी करते हुए लिखा था कि तुम लोग इधर ही अटके रहना, उधर चंद्रचूड़ की पत्नी का चूड़ा और घड़ी गायब है। इसी पोस्ट पर पांडेपुर के रहने वाले RSS कार्यकर्ता राजेश सिंह ने भी आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसमें लिखा था कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। इसी के बाद ये विवाद शुरू हुआ। रोशनी ने आरोप लगाया है कि राजेश सिंह, जो खुद को RSS का कार्यकर्ता बताता है, उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहा था, जिसमें पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो जैसे शब्द और अत्यधिक घृणास्पद बातें शामिल थी। इसी विवाद के चलते रोशनी कई लोगों के साथ रविवार को राजेश के घर पहुंची और उसे उकसा कर बाहर बुलाया, फिर अपने पति और समर्थकों के साथ राजेश की पिटाई की और उसका वीडियो भी रिकॉर्ड किया। पिछले 4 साल से सैफरन राजेश सिंह नाम का व्यक्ति मेरे नाम को बदनाम करने के लिए अभद्र टिप्पणियां कर रहा था अपने फेसबुक पेज पे, जिसपे उसके 5,000 फ्रेंड्स हैं। लगातार शॉर्ट फॉर्म में रोकूजा लिख लिख के मेरे बारे में, मेरे पति के बारे में, मेरे पिताजी के बारे में, मेरे घर वालों के बारे में अभद्र टिप्पणियां कर रहा था। लेकिन पिछले 2 दिन पहले उसने मेरे नाम पूरा लिख के रोशनी कुशल जायसवाल को प्रेग्नेंट करना पड़ेगा, उसके साथ बलात्कार करना पड़ेगा, तब जाके उसका मुंह बंद होगा। मेरा मुंह बंद करने के लिए उसने मुझे प्रेग्नेंट करने की धमकी दी, जिसके खिलाफ़ मैंने DM और कमिश्नर सर के खिलाफ उसके ऑफिस में एप्लीकेशन लिखा। और आज अपने बहनों के साथ, अपनी चाची मामी के साथ, अपने भाइयों के साथ उसके घर पे पहुंच के उसकी माँ, उसकी बेटी जो कि 16 साल की बेटी है, उसको बताने पहुंची कि उसका बाप, उसका पति किस तरह से दूसरी महिलाओं के साथ बलात्कार करने की धमकी दे रहा है। मैं अकेले घर से बाहर निकलती हूँ अपने बेटे को घर स्कूल छोड़ने के लिए, उसे ट्यूशन छोड़ने के लिए, मुझे अकेला पाकर वो कभी भी मेरा बलात्कार कर सकता है। मेरा बलात्कार होने के बाद, जैसे आरजीकर मेडिकल कॉलेज की महिला के साथ बलात्कार होने के बाद लोग उसके सपोर्ट में मोमबत्ती लेकर बाहर निकल रहे थे सपोर्ट के लिए, मैं नहीं चाहती कि मेरा बलात्कार या किसी भी महिला या किसी भी बेटी का बलात्कार होने के बाद लोग फिर से आरजीकर मेडिकल कॉलेज की तरह, निर्भया कांड की तरह मोमबत्ती लेके निकलें। अगर बलात्कारी ऐसा है, सैफरन राजेश सिंह जैसा है, और उसका घर मुझे पता है जो मेरे ही शहर बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में रहता है, तो मुझे उसके घर पे जाके उसकी बीवी, उसकी बेटी, उसकी माँ को जरूर बताना चाहिए कि वो क्या है। तो मैं उसके घर। राजेश की पत्नी ने उसे बचाने की कोशिश की, पर उसे भी चोटें आईं। रोशनी ने पुलिस को बुलाया और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से मांग की है कि राजेश सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उनके घर पर बुलडोजर चलाया जाए। दूसरी तरफ राजेश की पत्नी अनु सिंह ने पुलिस में शिकायत दी कि रोशनी, उनके पति और करीब 20 अन्य लोग जबरन घर में घुसे, गाली गलौज की और मारपीट की और घर से सोने की चेन और 20,000 रुपए नकद लेकर चले गए।